सोनू सर जेल के बाद अगला हमारा विजिट जो है वो बाबू सर टॉप की तरफ हमारा सफर जो है वो शुरू हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं बाबू सर टॉप, रास्ते में देखें ग्लेशियर्स जो पिघल के नीचे सड़क के ऊपर आ रहे हैं, आपको सैर करवाते हैं बाबू सर टॉप की तरफ। मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, बड़ा इंजॉय हो गया मेरा, और ये सारी चाचू की मेहरबानी, मेरे ग्रुप में चाचू ना होते तो शायद मैं इतना इंजॉय ना कर पाता। गाड़ी की अलमारी से बाहर निकल के जो है ना सिर्फ आप लोगों के लिए इतना प्यारा सीन, ये आगे बर्फ़ आ रही, मैं बर्फ़ को टच करना चाहता था काफ़ी देर से लेकिन जो है ना टच कर ही लिया। अभी तो मेरे हाथ में मोबाइल है, व्लॉगिंग कर रहा हूँ, पहले मैंने बर्फ़ को जो है ना वो अच्छी तरह पकड़ा, इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सख्त नहीं है, हाथ के साथ वो पकड़ में आ रही है। ये देखें कितना प्यारा सीन है, एक रुई की तरह साफ नेचुरली कुदरती। वहाँ साहब ले ले पंगा, ये पीछे नाम लिखे हुए हैं, ये देख ले नाम लिखे हैं, नाम लिख दे वहाँ से ऊपर करके, नाम लिख अपना, नाम लिख नाम लिख अपना, वो सर तो लिख लिया वहाँ से, गड़ी थोड़ी नेड़े करा के ना रोक के तो ना लिख, हाँ ब्रांड ब्रांड बलक ब्रांड। आ रही है खटी है खटी नहीं है खारी है खारी। वहाँ साहब बर्फ जो है ना खाते हुए पकड़ के, बड़ा प्यारा सीन, कैसा इफ्तिखार साहब लाता दी देर आधे लात दे लात तो दे ये यहाँ तक जाना है हमने, वो ऊपर बर्फ थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है, उस बर्फ के पास जाना है। ये देखे सामने वाली जो गाड़ियाँ आ रही है ना, नहीं नहीं गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ भी नहीं नहीं शादी सूरज बदल के पीछे आया खड़ा है। ये ग्लेशियर पिघल पिघल के सारा पानी आ रहा है, कितनी स्पीड से पानी गाड़ी के इतनी स्पीड से आ रहा है, तो वो नजर आ रहा है कितनी स्पीड से आ रहा है। ये आगे ग्लेशियर, आप ये ग्लेशियर का पानी और है खारा चश्मा, हमें अभी पता चल गया कि ये पानी खारा है। ये छोटी गाड़ी ये निकल गई, हमारी गाड़ी का देखते हैं क्या बनता है, हमारी गाड़ी पहले तो रुक गई थी, आप देखते हैं क्या बनता है इसका, पहले तो रुक गई थी, नहीं रुकना, चलो 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 धक्का लाओ, कदम बढ़ाओ चंगान, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ, चंगान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। ये आगे रश हो गया, आगे जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, लैंडस्लाइडिंग हो गई है, लैंडस्लाइडिंग हो गई आगे, लैंडस्लाइडिंग, ठंडी हवा चल रही है चाचा साहब। ये अब हम उन पहाड़ों के जो है ना
ऐसा समझ लें कि तकरीबन ऊपर आ चुके हैं वो बर्फ़ वाले जो पहाड़ हैं ये। ਉਹ ਐਵੇਂ ਪਾਰ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਉੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਬਰ ਕਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਜੀ ਬਾਬੂ ਸਰ ਨਾ ਜੋ ਜੇ ਤੁਧਾ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੱਥ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ हाथ जाम हो गया ये पड़ी है भी, हम तो इधर अपना शौक पूरा कर सकते हैं, हम तो ये अपना शौक यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। ये है जी बर्फ। चल साठे चल हम जा रहे ऊपर। इवें नहीं पैर में थले आ जाते ओए ठंडी है बर्फ है। हमने जाना अभी ऊपर ओ अरशद किसी कर क्या ये देखें जी बर्फ मेरा तरीका अपनाओ जल्दी आ जल्दी ये अच्छे अच्छे देखने के लिए करो बाबू सर टॉप से पहले ही हमारा आधा मरी इधर आ गया चलो एक मिनट चलो एक मिनट एक मिनट बैठो बैठो बैठ इधर बैठ पास सुन ओए सुख जाने तक थोड़ा आ गया थोड़ा। हां जी बाबू सर टॉप से पहले ही बहुत मजा आया। चाचू की मरे होने मन्नत, चाचू ने आधा मरे इधर ही दिखा दिया। लो जी बादलों के बराबर, ऐसा समझ लें कि बादलों से भी ऊपर आ गए हैं। अब कैसा सीन है, बादल हमसे नीचे रह गए हैं, नजर नहीं आ रहे किधर हैं लेकिन हमसे नीचे हैं। वो मौसम के लिहाज से होते हैं, वो मौसम के लिहाज से होते हैं। ये लोगे नीचे लोगों की रहाइशें हैं, पता नहीं किस हिम्मत वाले ने यहाँ पे अपना घर बनाया हुआ है। खैर सरवाइव वो भी कर रहा है। ये आपको साया नज़र आ रहा है, बादल वहाँ तक आ गए हैं। ये बर्फ़ के ऊपर आपको डार्क डार्क नज़र आ रहा है, ये बादलों का साया है। सोचा भी नहीं था कि इस तरह बादलों का साया इतना क्रीपी से है,
ये बर्फ़ के ऊपर है क्योंकि बादल जो है वो पहाड़ के साथ मिक्स हैं, क्योंकि हम आप बादलों के तकरीबन बराबर आ चुके हैं। ये गाड़ी का सुना सुना लग गया था तब बंद किया, मैं तो डर गई। ये वो पहाड़ी सिलसिला है जिसको हम पता नहीं कहाँ से बैठ के देख रहा था, ये कह रहे थे कि ये हमारे पास ही तो खड़े हैं, ये इतना फासला तो है। ये जब पहाड़ी ऊपर चढ़े हैं, सफ़र किया है, ऊंचाई की है, तो फिर पता चला है। और ये मेरे ख्याल में वो ये जो मेरे सामने सीन आ रहा है, ये वो सीन है जो 50 रुपए वाले नोट के ऊपर लगा हुआ है, ये वो सीन है। लेकिन मैंने यार, लेकिन मुझे ये हर जगह पे ऐसे लग रहा है। अगले कच्चे अच्छा मुझे चक्कर आ रहे हैं। तोता यार, मैं ये सामने वाला ना सीन कैप्चर कराना है, भाई के पास होना पड़ेगा मुझे। ये हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, 1000 पहले मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, मुझे भूल गया कितनी है, बस ऐसा समझ लें कि हम बाबा सारे ऊपर आ गए हैं। बुलंदी कितनी है वो पीछे लिखा हुआ था, मुझे भूल गया। फिलहाल आप यही समझें कि हम कितनी ऊंचा आ गए हैं। 11500 फीट किलोमीटर है, 11500 किलोमीटर जी, या 11500 मीटर, 11500 मीटर, 13000 यार असि 6000 उत्ते आ गए, जिन्ना भी बाबा सर 13691 मीटर यार असि बाबा सर ऊपर आ गए। गाइस आप लोग जो आना चाहते हैं वो अपना कर्जा वगैरह सारा उतार के ऊपर आए, अल्लाह तौबा करके आए, और पूरे गांव में पूरे इलाके में मिठाई बांट के आए, और एक दूसरे को मिल के आए। ये बगैरती नहीं करनी सरा सर, और इस इलाके में और बाबू सर टॉप आने से पहले अपने सारे कर्जा जात उतार के आना है, सारी माफी वगैरह मांग के आनी है आप लोगों ने। और हाँ जी, हम अभी बाबू सर टॉप पहुँच आए हैं, और ये आगे इसका आगे है सौदा पत्थर, बुलंदी है ये 13681 मीटर है। कैमरे तोड़ देते थे, कैमरे निकाल दे, बच्ची करमा वाली ये अल्लाह अड़िए कुछ नहीं लगना सानू, तो तेरे रगी लबनी भी कोनी बिचड़ी इनन फड़ा देइए। असि पहली बार आए, असि जाना भी है वापस। ओ बुंडी लो ਸਾਜੇ ਤੇ ਕਿਰੇ ਲਾ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਚਾ ਜਾ 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 ਇਹ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਬਾਬੂ ਸਰ ਟੌਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਹੈ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾ ਵਾ ਬੰਦ ਬੜਾ ਬੰਦ ਕੇ ਬੰਬ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਮਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਈ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਲਿਪ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। फिर भी इतनी देनी है ये इस टाइम हम जो है बादलों से ऊपर आ चुके हैं, ये इस साइड पे सारे पहाड़ हैं बादल, और ये आप इस साइड में देख सकते हैं ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ये बादल है, बादल नीचे रह गए हैं और उसके ऊपर पहाड़ है, बादल नीचे है, और हमने इंशाल्लाह अब यहाँ से इस साइड में ये जो भी नज़र आ रहे हैं लोग आ जा रहे हैं। लेकिन ये पहाड़ी है।
सो टॉप है, बहुत प्यारा माहौल है। फैमिलीज के साथ लोग आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, हमारे साथ भी एक तरह से फैमिली ही है। वहाँ बहुत तेज़ है इसलिए शायद आवाज़ की क्लियरनेस, उसके लिए माजरत। सर्दी बहुत ज़्यादा थी बाबूसर टॉप पे, अभी बाबूसर टॉप से हम वापस जा रहे हैं। चाचू जो है सर्दी के मारे, और स्पेशली सारा हमारे जो है ना वो इरशाद साहब, उनको भी मेरी तरह सर्दी ज़्यादा ही लगती है, तो इसलिए हम जो है ना वापस जा रहे हैं। अभी हमने जाना है झील सैफल ब्लॉक, वापसी पीछे को जाएगी बस, मरी मरी के बाद, उसके बाद आगे जितने भी इलाके हैं इसके पीछे, फिर लाहौर, फिर सीधा दीवार पर। तो अभी फिलहाल हम वापस जा रहे हैं, देखते हैं कि आते हुए रास्ता जो है वो मुश्किल था, जाते हुए उससे भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे हमें कुछ देर के लिए रुकना पड़ा है क्योंकि हमारी गाड़ी का, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ब्रेक्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, इसलिए हमारी गाड़ी के टायर जो है वो कुछ गर्म हो गए, तो थोड़ी देर के लिए रुकें, अभी थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे।